नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। पारंपरिक कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 550 परीक्षार्थियों को टूल किट का वितरण भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निर्वाह ने किया। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय दस्तकारों तथा पारंपरिक कारीगरों के विकास, पारंपरिक कारीगर जैसे पढ़ई, दर्जी, टोकरी, बुनर, अनाई, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तलिपियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत किए जाने हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत विभिन्न टेट के 550 प्रशिक्षार्थियों को सिलाई मशीन व अन्य उपकरण भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निर्वाह ने दिया। इस अवसर पर भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि सरकार लोगों को सशक्त बनाने व रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ बेटियों को दिया गया सिलाई मशीन, जी आज ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत हमारे एडीएम सर की अध्यक्षता में यहाँ 550 बेटियों को, बहनों को और कुछ हमारे भाइयों को सिलाई मशीन दिया गया और उनको पहले प्रशिक्षण दिया गया था और उनको सिलाई मशीन दिया गया ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी की ऐसी योजना है जिसमें जो लोग भी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं अलग अलग काम में, वो प्रशिक्षित हो करके सरकार उनको मदद करेगी ताकि वो आत्मनिर्भर हो जाएं और उनको किसी पर डिपेंडेंट ना रहना। इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या उद्देश्य देना चाहेंगे लोगों में? बस एक ही चीज़ है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सबकी एक ही सोच है कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, अगर वो आत्मनिर्भर होंगी तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा। क्योंकि जिस ओर हम बढ़ रहे हैं, लगातार भारत जो है वो तेज़ी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पूरी तरह से आत्मनिर्भर तभी हो पाएगा जब हमारी बहनें, हमारी बेटियां ये आत्मनिर्भर हो जाएंगी। तो शहर में हों या ग्राम में हों, शहर में जो पढ़े लिखे हैं वो भी, या गांव में जो बहनें अभी तक पढ़ लिख नहीं पाईं पहले समय में, वो भी, उनको भी सरकार मदद कर रही है ताकि वो अपने प्रशिक्षण से, अपने कला से, अपने हुनर से कुछ न कुछ वो कमा सके ताकि उनको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। उनको किसी के लिए मतलब ये ना सोचना पड़े कि उनको कुछ चाहिए तो कोई देगा तभी उनके पास होगा। तो ये सरकार की सोच है और मुझे ये लगता है कि इस सोच को प्रणाम करना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ के हमारी बेटी बहनें हिस्सा ले रही हैं, तो इससे देख के और भी अच्छा लग रहा है कि जागरूकता आ रही है और जागरूकता ही समाज को बदल सकती है।